ज़्यादा ही कुछ धमाके कर रहा है उसमें बात की भाई धमाके मत करा कर, लेकिन अगर कोई किसी की इंसल्ट करता है तो पंजाबी लोग पागल हो जाते हैं आपको बताइए, तो उसको कंट्रोल करने के जा रहा हूँ मैं और सारे के सारे परफॉर्म कर रहे हैं। और जब सुखविंदर जी परफॉर्म करते हैं लाइव तो बहुत मज़ा आता है, तो ये हमारा पुरानियों का डोम है, इसमें बहुत मज़ा आता है मुझे आने, जब भी कुछ होता है ऑलवेज वी कम। ये सारे के सारे डीजेस भी हैं और इतने सारे सिंगर्स भी हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड शो है। ईडीएम के शो देखने का मज़ा अलग आता है, वेट कर रहा हूँ मैं इन लोगों के साथ देखने का क्या क्या करेंगे आज। वो अभी हमारी मीटिंग हो चुकी है, अभी बातें आगे बढ़ रही हैं, किस्मत अगर अच्छी होगी तो वो हो जाएगा। देखो वो पिक्चर तो होनी होनी है, जिसके साथ मैं जाता हूँ उसके साथ होनी चाहिए, बाद में थोड़ा और टाइम, थोड़ा और टाइम, अभी यानी ये बहुत हार्ड चीज़ है। फिटनेस मंत्रा इज दैट यू सी यू शुड ट्रीट एक्सरसाइज लाइक अ स्पोर्ट एंड अडिक्शन। अगर आप एक बार अडिक्ट हो जाए, लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, जब दो तीन महीने हो जाते हैं लगता है यार बहुत फ़र्क पड़ गया, इसके बाद अगले छः महीने तक फ़र्क नहीं पड़ता और वो छोड़ देते हैं, छोड़ोगे नहीं तभी फ़र्क पड़ेगा। मैंने इससे बड़ा पहले बॉलीवुड के थीम पे कोई शो नहीं देखा और इतने दिन से मैं वेट कर रही थी, क्योंकि जब भी डांस की बारी आती है, नाचने की बारी आती है, पूरी दुनिया बॉलीवुड के गानों पे नाचती है, एंड यू नो वी हैव पीपल फ्रॉम अब्रॉड कमिंग हियर एंड परफॉर्मिंग, बट किसी ने हिंदुस्तानी कलाकारों को लेकर ये सब नहीं किया। सो आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी कि ऐसा कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, एंड मेरे बहुत करीबी दोस्त ये सब कर रहे हैं, सो आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू डांस ट्रैक बिकॉज़ आई लव बॉलीवुड म्यूजिक एंड आई लव डांसिंग, सो दिस इज लाइक द फर्स्ट बिग ओपन रेव पार्टी हियर, एंजॉय। बहुत सारे डांसिंग नंबर्स नहीं, तो मुझे गाने के लिए बोलोगे मैं नहीं गाऊंगी नहीं मुझे ऑनेस्टली बहुत सारे रोमांटिक गाने बहुत पसंद है, डांसिंग गाने बहुत पसंद है, आजकल मेरा फेवरेट गाना है वो कौन सा है, चिट्ठियाँ कलाइयाँ, एंड कितने सारे गाने हैं यार, मिका तो सारे गाने इतने अच्छे गाता है ना कि बस मुझे जेलसी होती है उससे कि सारे गाने सुपर हिट गाता है, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू गो इनसाइड एंड परफॉर्म एंड डांस विद देम। अरे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है यार, खुशनसीब हैं वो लोग। मैं मानता हूँ कि हमारे टाइम पे ये सब प्लेटफॉर्म नहीं थे, पर फिर भी ऊपर वाला करम है कि आज हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, पर ये लोग बहुत बड़े खुशनसीब हैं, इनको थैंक्स कहना चाहिए बॉलीलैंड को, सिनेयुग को, जिन्होंने MTV को जिस लेवल पर आज इतने बड़े स्टेज पर इतने लोगों के सामने इतने बड़े क्राउड में
इतने हज़ार लोग, इतने बड़े बड़े लोगों, दिग्गज लोगों के सामने परफॉर्म कर रहे हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने अभी फर्स्ट सॉन्ग परफॉर्म करके आया हूँ, बहुत अच्छा रिस्पांस था ऑडियंस का, बहुत ही रोमांटिक और सॉफ्ट नंबर था ओरे पिया, और बहुत ही अच्छा रिस्पांस, उसमें एक पंजाबी भी गाया है मैंने, तो बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। अभी मैं अपना खुद का गाना सेकंड सॉन्ग परफॉर्म करने वाला हूँ, जश्नेश का सॉन्ग फ्रॉम द मूवी गुंडे, यू नो ना। यार ये बस ऊपर वाले का करम है, अच्छा लग रहा हूँ ना मैं, बस आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए तो दुनिया को भी अच्छा लगेगा ना, अच्छा लग रहा है, ठीक है, ओके। जश्नेशिका दौर इश्क एक जश्न है, लेकिन अपना अलग टशन है, खूम जुलगी एक अगन है, बहके दिखलाएगा ये तेवर, चाहत के दर पे दिल का धरना है, ना मर के जीना जी कर मरना है, तूफान के हम दम अंगारे हैं हम, धड़कन में थोड़ा सा बारूद है ख्वाहिशी का। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर। क्या पूछना है?
या व्हाट्स अप ब्रदर अरे विशेष क्या यार, म्यूजिकल हमारे सारे म्यूजिकल भाई आए हुए हैं तो सबको सपोर्ट करेंगे और मौका मिलेगा तो गाएंगे भी. यू नो इट्स अ ग्रेट इवेंट बॉलीलैंड ब्रो, यू बिलोंग टू दिस स्टेज. मुस्कुराने एक तो ये गा सकता हूँ और मेरा गाना जो भी रिलीज हुआ है, ये इश्क मेरा है दीवाना ये तेरा है तेरे प्यार में ओ जाने जा मेरे दिल को ये है क्या हुआ. AQM ये लेटेस्ट गाना है. थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस. और जोश से भरी है, बहुत मज़ा आ रहा है. बहुत ही अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं और बहुत अपकमिंग आर्टिस्ट हैं और क्राउड बहुत इलेक्ट्रीफाइंग है. बॉम्बे का क्राउड ऑब्वियसली, मुंबई का क्राउड. वेल आई वुड जस्ट लाइक टू थैंक ऑल द फैंस जो इतना प्यार दे रहे हैं मेरे गानों को और हमेशा ही देते हैं. मतलब मुझे आई थिंक सब गाने अच्छे चल रहे हैं तो आई एम वेरी हैप्पी. थैंक यू टू ऑल द फैंस. मैं ऑलवेज बहुत मेहनत करूँगा और आप लोगों को हमेशा एंटरटेन करूँगा. धतुन तुन बजे डंका, लंदन हो या लंका, गुंजे रे चारों ओर आपकी रहे अनुकंपा, न डर न ही शंका, नचेंगे हम जोर. जो कि चलाए कोई चक्कर, खिलेगा तेरा अंतर, तो आजा गुरु मंत्र. ये ले ले रे ए ले ले ए ले ए ले ए ले ले ए ले ले, चल बेटा सेल्फी ले ले रे. बहुत ही एक्साइटिंग है एंड ये मेरा सेकंड बॉलीलैंड शो है एंड इतने बड़े आर्टिस्ट हैं एंड उनके साथ मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है. जी MTV बहुत ही अच्छा चैनल है एंड दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल्स फॉर म्यूज़िक एंड दे रियली प्रमोट म्यूज़िक एंड दे प्रमोट कॉन्सर्ट्स लाइक दिस. एंड ऐसा कॉन्सर्ट करना फॉर इंडियंस इज़ अ रियली बिग थिंग.
एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आई एम अ पार्ट ऑफ दिस कॉन्सर्ट। जी एक्चुअली रियल कॉन्सर्ट में पता चलता है कि हाउ मच पीपल लव योर सॉन्ग्स एंड कि फैंस किस तरह से रिएक्ट करते हैं अपने म्यूजिक के लिए, आपकी म्यूजिक के लिए, द फॉलोअर्स दैट फॉलो योर म्यूजिक। एंड रिकॉर्डिंग अलग एनवायरनमेंट है क्योंकि रिकॉर्डिंग में चीज़ें करी जा सकती है दैट यू कैन मॉडिफाई योर वॉइस एंड स्टफ, बट लाइव एक बार यू हैव संग इट, इट डजंट गो अवे। सो आई थिंक लाइव बहुत ही टफ है एंड बहुत ही एक्साइटिंग भी है क्योंकि बहुत एनर्जी रहती है फैंस की। जी मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही डिफरेंट था क्योंकि मैंने एक रेट्रो गाना गा रहा हूँ मैं, एंड मैं EDM गाने गा रहा हूँ विच इज़ फ्यूज्ड विद बॉलीवुड म्यूजिक, और बीच में मैंने एक डांस सेक्शन भी किया है विच आई जस्ट परफॉर्म्ड एंड आई केम। तो बहुत ही खुश महसूस हो रहा है एंड आई रियली होप दैट दिस कॉन्सर्ट इज़ अमेजिंग। जी सूरज डूबा है यारो दो घुट नशे के मारो रस्ते भुला दो सारे घर बार के, सूरज डूबा है यारो दो घुट नशे के मारो गम तुम भुला दो सारे संसार के। क्या माय फिटनेस मंत्रा इज ईटिंग हेल्दी, फूड सही टाइम पे खाना चाहिए एंड वर्कआउट भी सही टाइम पे करना चाहिए। आई फील कि मैं सुबह वर्कआउट करता हूँ तो बेटर होता है, लोग कभी कभी रात को भी वर्कआउट करते हैं, लेकिन आई रियली फील दैट अ मॉर्निंग वर्कआउट इज़ अमेजिंग। एंड कभी कभी संडे चीट डे कर लेता हूँ, कुछ भी जो मन में आता है वो खा लेता हूँ, सो आई थिंक यू शुड डू दैट एज़ वेल। थैंक यू। Something which I design myself, I always like to customize my own outfits, so again this is designed by me. Mera fitness ka raaz ye hai ki main whatever I eat in a very small quantity, bahut kam khati hu, aur I always try to eat healthy food, or I'm not really a fan of fast food, so shayad wohi meri good health ka raaz hai. Gundi mat kharkao raja, seedha andar aao raja, phool bichha perfume laga ke mood banao taja taja. Gundi mat kharkao raja, seedha andar aao raja, tanik dheere dheere raja, tanik dheere dheere raja. आई थिंक ये MTV बॉलीलैंड जो इनिशिएटिव किया है, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक इनिशिएटिव। जो इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक वी कीप हियरिंग ऑल अराउंड द वेस्टर्न वर्ल्ड, टू ब्रिंग दैट आउट इन सच ह्यूज नंबर्स टू द मासेस एंड टू ब्रिंग आर बॉलीवुड म्यूजिक टू द ऑडियंसेज विद सो मेनी ग्रेट आर्टिस्ट, सो मेनी कलीग, सो मेनी फ्रेंड एक ही स्टेज पर, बहुत मजा आने वाला है एंड इट्स गोना रॉक फॉर शर। आई बी डूइंग सम ऑफ माय सॉन्ग्स एंड या आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड। पहली बार जो अभी दिन धड़कने दो में मेरा गाना है वो भी मैं गाने वाला हूँ, ऑब्वियसली जिंदा आर बी सिंगिंग, सो आई एम गोना रॉक। दिल मेरा बोल उठा, होने दो अब जो भी हो, डरना क्या भला बुरा, होने दो अब जो भी हो, क्या दिल की सुन ली तुमने, क्या राह चुन ली तुमने, हो दिल की सुन ली मैंने, हाँ राह चुन ली मैंने। थैंक यू।